गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। एंड द टॉपिक ऑफ डेटा सफिशिएंसी टुडे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, बट द क्वेश्चंस आर मोस्टली ऑफ 1 to 2 marks। इससे ज़्यादा वेटेज नहीं है इस टॉपिक की, लेकिन स्कोरिंग है, मतलब आप वो 1 mark ईजिली गेन कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पता हो। नाउ कमिंग बैक टू डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी ऑन इट्स ओन इज नॉट अ टॉपिक। ये टॉपिक बनाया गया है बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तो डेटा सफिशिएंसी के कोई अपने रूल्स नहीं हैं, आपको बस एक यही रूल फॉलो करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के, वो आपको आने चाहिए। उनके कॉन्सेप्ट, उनके ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी शॉर्टकट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, सब पता होना चाहिए आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। डेटा सफिशिएंसी में कोई भी टॉपिक आ सकता है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ब्लड रिलेशंस के आ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वर्बल रीजनिंग के, सारे टॉपिक्स आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर एक जनरल सा आई कैन से पैटर्न होता है डेटा सफिशिएंसी का, कि दो स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल होती है इन द फॉर्म स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट्स में आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की, तो दो स्टेटमेंट्स में ऑर्डर एंड रैंकिंग के ही आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को आपने 1 by 1 फॉलो करना है और उसके बाद आपको यही बताना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आपके जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में आंसर्स ही निकालने हैं पर नहीं निकालने हैं, खुद हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ये पता लगाने के लिए कि आर दीज टू स्टेटमेंट्स सफिशिएंट और नॉट। बट एज एन आंसर जो ऑप्शंस में अवेलेबल होगा वो ये ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होगा ओनली 1 statement इज रिक्वायर्ड, सेकेंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा ओनली 2nd statement रिक्वायर्ड और 2nd इज सफिशिएंट, थर्ड आपके पास अवेलेबल होगा बोथ statement 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो सकता है डेटा इनसफिशिएंट। ये आपके पास 4 options अवेलेबल होंगे, इन्हीं 4 options में से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना है। स्टेटमेंट 1 में कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, स्टेटमेंट 2 में कुछ इंस्ट्रक्शन होगी। आप पहले स्टेटमेंट 1 को फॉलो करोगे, जो भी आप उनका डायग्राम है, जैसा भी आपको सॉल्व करना है वो करोगे, स्टेटमेंट 2 को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे। अगर दोनों से ही नहीं बन रहा है आपका सोल्यूशन, तो आप दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करके एक सोल्यूशन बनाओगे। फिर आपने अगर खाली 1 statement से ही आंसर निकल रहा है, यू विल मार्क ओनली 1 इज सफिशिएंट, अगर 2nd से है तो ओनली 2nd इज सफिशिएंट, और अगर दोनों को कंबाइन करके आंसर मिल रहा है तो बोथ 1st and 2nd आर रिक्वायर्ड। बट अगर कंबाइन करके भी यू आर नॉट गेटिंग टू अ कंक्लूजन, देन योर आंसर विल बी डेटा इनसफिशिएंट, कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में जो भी डेटा है वो इनसफिशिएंट है, हमें कुछ और डेटा की कि दोनों में जो है वो इनसफिशिएंट है, हमें दोनों स्टेटमेंट्स में से आंसर नहीं मिल रहा है, इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वी कैन गेट टू अ कंक्लूजन। तो ये 4 main होता है, 4th ये भी हो सकता है दैट आइदर 1 or 2nd इज सफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों को इंडिविजुअली अगर आप सॉल्व करोगे तो अलग अलग सॉल्व करने के बाद भी आपको दोनों से ही आंसर्स मिल रहे हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि बोला जाता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को आप अलग सॉल्व करिए। अगर स्टेटमेंट 1 से आपको आंसर मिल रहा है, स्टिल डू नॉट इग्नोर स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि मे बी ऐसे चांसेस होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट से ही आपको आंसर्स मिल सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो 1 of the options। ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो आगे की वीडियोस इंडिविजुअली बनाएंगे, वहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस हुआ जाएगा। यहाँ पर आपको बस इतना पता लगाना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, तो उसका आपके पास होता है R1 + R2 - 1। क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि टॉप से इतनी रैंकिंग है, बॉटम से इतनी रैंकिंग है, टोटल कितने हैं। तो
टोटल टॉप से, अगर यहाँ से टॉप से ये रैंकिंग है, बॉटम से ये रैंकिंग है, तो दोनों को ऐड करके -1 कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो पर्सन आप बता रहे हैं टॉप से इतना है और बॉटम से इतना है, तो दोनों पर्सन, जो एक पर्सन है वो 2 बार रिपीट हो गया, एक बार रेपिटेशन कम करने के लिए हम -1 कर देंगे। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए लेट अस टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन गिवन टू अस इज के वॉट इज सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारी दैट इज 40, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और ये दो स्टेटमेंट्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से इज रीना इज 4 रैंक्स बिलो सुमन एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। अब टॉप और बॉटम की बात हो रही है, तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये पूरा एक स्टैक या क्यू मान लेते हैं कि ये एक हमारी क्यू है, और बोला क्या है दैट रीना इज 4 रैंक बिलो सुमन एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। ये बॉटम है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स अवेलेबल है 40, क्योंकि 40 की स्ट्रेंथ है, ये टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, और बोला गया है कि रीना की रैंक 31st है बॉटम से। तो बॉटम से अगर 31st है तो लेट अस कंसिडर रीना ओवर हियर। ये रीना है और उसकी रैंक है 31st फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से 31st कुछ यहाँ पर आएगा, और 31st रैंक है तो यहाँ पर कितने बच्चे रह गए, 9 स्टूडेंट्स और रह गए, क्योंकि 31 + 9 विल बी 40। बोला है रीना इज 4 रैंक्स बिलो सुमन। अगर यहाँ पर रीना है और वो सुमन की 4 रैंक्स नीचे है, कहने का मतलब है कि सुमन रीना से 4 रैंक्स अप है। अगर सुमन रीना से 4 रैंक अप है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम सुमन को प्लेस कर देंगे। तो पता लग गया कि रीना 4 रैंक बिलो सुमन है, 1, 2, 3, और यहाँ पर रीना है, 4 रैंक्स आ गए यहाँ पर। अब अगर देखा जाए कि रीना की रैंक 31st है यहाँ पर, 32nd, 33rd, 34th, 35th, सुमन की रैंक हो गई 35th फ्रॉम बॉटम, सुमन की रैंक आ गई 35th फ्रॉम बॉटम, टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 40, तो 40 - 35 आ गया आंसर 5। मतलब 5 स्टूडेंट्स अभी भी ऊपर हैं सुमन के। लेट अस ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5। बोला है सुमन की रैंक टॉप से कितनी है, अगर देखा जाए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो सुमन की रैंक टॉप से कितनी आ गई, 6। डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, रादर देन फोकसिंग ऑन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस। डायग्राम ड्रॉ करो, बहुत ईजी है। टोटल स्ट्रेंथ हमें पता है 40 है, बॉटम से बोला गया है 31st, तो हमने बना दिया कि इससे नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, और रीना का रैंक 31st है तो वो 31st प्लेस पे होगी। आगे बोला है दैट रीना इज 4 रैंक्स बिलो सुमन, तो रीना से ऊपर हम 4 रैंक्स पे सुमन बना देंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर सुमन आ गई। अगर रीना का 31st रैंक है तो सुमन का बॉटम से 35th हो जाएगा। अगर 35th है, टोटल हमने और 5 स्टूडेंट्स और बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स और बना दिए, तो टोटल 40 आ गए। और अगर सुमन की रैंक हमें टॉप से देखनी है तो टॉप से सुमन की रैंक आ जाएगी 6th। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें आंसर डिराइव हो गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है दैट अनुज इज 2 रैंक्स अबव सुमन एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। पहले बोला गया था रीना इज 31st फ्रॉम द बॉटम, तो हमने यहाँ पर टोटल देखा था और बॉटम से हमने 31st बना दिया था। ऐसे ही यहाँ पर हम अनुज का रैंक देखेंगे, 37th है बॉटम से, ये हमारा बॉटम है, बॉटम से अब हम आ जाएंगे यहाँ पर 37th प्लेस पे, और यहाँ पर आ गया अनुज। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया है अनुज इज 2 रैंक्स अबव सुमन। सुमन से 2 रैंक्स अबव है, मतलब सुमन अनुज से 2 रैंक्स बिलो है, ये 37th है, 1 और 2 यहाँ पर आ गई सुमन। तो सुमन और अनुज के बीच में खाली 1 पर्सन का गैप है। अनुज पता लग गया 2 रैंक्स बिलो है सुमन के, हमने बना दिया, सॉरी 2 रैंक्स अबव है सुमन के, हमने बना दिया, 37th है बॉटम से, ये भी हमने बना दिया। अब हमने पता लगाना है कि सुमन का रैंक टॉप से कितना है। अगर अनुज का रैंक 37th है और ये टोटल स्ट्रेंथ हमारी 40 है, तो 38, 39 और ये 40, राइट, 38, 39, 40 इतनी ही है टोटल,
तो टोटल हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ बना दी कितनी की, 40 स्टूडेंट्स की। अब टॉप से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 कितने रैंक आ गई है अनुज की, 4th आ गई यहाँ पर। तो इधर से भी आंसर डिराइव हो रहा है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, यहाँ से भी आंसर डिराइव हो रहा है। सॉरी, बताना है सुमन की 4th रैंक अनुज की है, 5th एंड 6th। तो अनुज की रैंक टॉप से 4th आ गई, लेकिन पूछा सुमन की है तो हम सुमन की भी डिराइव कर देते हैं, 5th एंड 6th। यहाँ से भी 6th आ गया आंसर, इधर से भी 6th आ गया आंसर। तो जो हमारा ऑप्शन होगा दैट आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट और सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, दैट विल बी योर आंसर। अगर हम खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकाल के बोल देते कि खाली एक से ही आंसर निकल रहा है और सेकंड को इग्नोर मार देते, दैट विल अगेन बी रॉन्ग। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट से आंसर निकल रहा है तो सेकंड से ना निकले, इसीलिए हमने दोनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। हमें कभी भी डेटा सफिशिएंसी में एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या डिराइव हो सकता है सोल्यूशन या नहीं। तो यस, फर्स्ट से भी हो सकता है और सेकंड से भी हो सकता है। सो हमारा आंसर आएगा आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन और सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही मिले, दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर हमारे पास होती तो आंसर निकल जाता। दोनों से आंसर सेम निकल रहा है, द पोजिशन इज 6, लेकिन हमें आंसर नहीं डेराइव करना, खाली ये बताना है कि सफिशिएंट है दोनों स्टेटमेंट्स या नहीं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, इन क्वेश्चंस को, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बेसिक्स हर टॉपिक के क्लियर हो, आपको हर टॉपिक के ट्रिक्स टिप्स सारे पता हो, तभी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, डू प्रैक्टिस फ्रॉम आप पोर्टल दैट इज़ abhyasonline.in। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वही सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, उसी पैटर्न पे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द बेनिफिट इज दैट वी प्रोवाइड यू द कंप्लीट एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी और एफर्ट्स डाल के उसे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकें। सो डू रजिस्टर @abhyasonline.in। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।